हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट न्यू एग्जाम पर राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा के लिए। दोस्तों 21/9/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिनमें दोस्तों 8 पदों पर ये भर्ती परीक्षा होगी। पद का नाम दिया गया है प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। ये दोस्तों इन पदों पर 8 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है, जो कि मैं आपको बता दूं ऑनलाइन आवेदन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए दोस्तों आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग OBC अति पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 450 रुपये आवेदन फीस है, वही नॉन कमर्शियल 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये आवेदन फीस है। वहीं दोस्तों समान पात्रता परीक्षा के लिए पदों का वर्गीकरण है, जो कि आप देख सकते हैं इधर दिया गया है। गृह रक्षा विभाग के लिए प्लाटून कमांडर पद है, के लिए 43 पोस्ट दी गई है। दूसरी है जल संसाधन विभाग, जिसमें दोस्तों 2 पद है, जिलेदार और पटवारी, जिसमें दोस्तों पटवारी के 272 पद है। तीसरी की बात करें तो कोष एवं लेखा विभाग, जिसके लिए दोस्तों कनिष्ठ लेखाकार पद है, 1923 पदों पर यह भर्ती होगी। वही राजस्व मंडल है, जिसमें दोस्तों तहसील राजस्व लेखाकार पद है, जिसमें 198 पद दिए गए हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती में 176 पद है। पर्यवेक्षक में अभी पदों की संख्या नहीं दी गई है। उप जेलर में 49 पदों की संख्या है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में 335 पदों की संख्या दी गई है। और दोस्तों आप देख ही सकते हैं इन पर संभावित पदों की संख्या दी गई है। वहीं दोस्तों समान पात्रता सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बता दूं दोस्तों 12वीं पास मांगी गई है सभी के लिए। वहीं दोस्तों इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है, जो कि मैं आपको बता दूं ऑनलाइन आवेदन है 22/9 यानी कि कल से 21/10/2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन भर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके लिए परीक्षा का आयोजन है, जो कि 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य इसमें परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों अगर परीक्षा है 4 पारियों में की जाती है तो समीकरण में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ये प्रवेश पत्र है, जो कि दोस्तों आपको बता दूं प्रवेश पत्र 1 सप्ताह पूर्व आपके लिए जारी किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में दोस्तों आपको बता दूं परीक्षा स्कीम किस प्रकार रहेगी, तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक 312 का होगा दोस्तों, और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि आप फर्स्ट न्यूज एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो भर्ती से रिलेटेड वीडियो के लिए फर्स्ट न्यूज एग्जाम यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर राजस्थान की नई नई भर्तियां आती रहती है आपके लिए।